राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के चलते वैक्सीनेशन कार्यक्रम लगभग बंद हो गया है। राजधानी जयपुर में शनिवार दोपहर 2 बजे बाद वैक्सीन खत्म होते ही वैक्सीनेशन रोकना पड़ा। चिकित्सा विभाग के पास लगभग 5 लाख वैक्सीन मुहैया थी, अब ये भी खत्म होने के कगार पर हैं। प्रदेश में औसतन 5 लाख लाभार्थियों को हर दिन वैक्सीन लगाई जा रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि शनिवार शाम तक सभी जिलों के अंदर वैक्सीन खत्म हो जाएंगी। इससे वैक्सीनेशन कार्यक्रम थम सा गया है। 380 वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन कार्य कर रहे थे पिछले दिनों से, क्योंकि वैक्सीन की थोड़ी सी हमारे यहाँ पर कमी होने के कारण कल हमने 262 सेंटर बनाए और आज हमने सेंटर की बहुत कम मात्रा में सेंटर बनाए हैं। जहाँ पर अति आवश्यक है उन सेंटर पर जहाँ वैक्सीन उपलब्ध है वहीं पर हमने सेंटर चलाए हैं। हमने कोवैक्सीन के 2 सेंटर, हमारे 13 सेंटर चलते थे उनकी 2 सेंटर बनाए हैं, और जो कोविशील्ड के सेंटर चल रहे थे लगभग हमारे 40 सेंटर बंद कर दिए हैं, 30 सेंटर पे हम कोविशील्ड का काम कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि वैक्सीन की कमी को देखते हुए 10,000 वैक्सीन उदयपुर से जयपुर मंगवाई गई हैं। लगभग 24,000 वैक्सीन मात्रा हमारे पास अब उपलब्ध है जो आज हमारे सभी सेंटर में काम आएगी। इसके अतिरिक्त हमारे राजस्थान सरकार ने, जो हमारे सेक्रेटरी महोदय हैं, तो राज्य सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को निवेदन किया है कि वैक्सीन को तुरंत भिजवाया जाए जिससे वैक्सीन प्रोग्राम सतत रूप से जारी रह सके। यहाँ पर हमारे कोवैक्सीन समाप्त हो गई है, तो राज्य सरकार निर्देशानुसार हमें 10,000 अतिरिक्त डोज कोवैक्सीन की उदयपुर से लेनी थी। कल हमारी गाड़ी उदयपुर पहुँच चुकी थी रात को, आज सुबह वहाँ से उन्होंने वैक्सीन लेकर शुरू चलना शुरू किया है। शाम तक हमें उम्मीद है कि कोवैक्सीन की 10,000 डोज हमें मिल जाएगी। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द वैक्सीन भेजने की बात कही गई है ताकि प्रदेश में वैक्सीनेशन से जुड़ा कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू किया जा सके। हालांकि ये खेप राजस्थान कब तक पहुंचेगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। एटीवी भारत के लिए जयपुर से आदित्य आत्रे की रिपोर्ट।